तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं विशाल छिकारा अन अकेडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और अन अकेडमी पे 4 अप्रैल 2018 से कंटिन्यूस मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। डेली मेरी क्लासेज वहाँ आती हैं, वहाँ भी मैं डेली आधा घंटा आपको पढ़ाता हूँ। साथ ही अन अकेडमी प्लस पे मैं पढ़ाता हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अन अकेडमी प्लस पे मेरी जो क्लास है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी रिक्वेस्ट पे हमने अपने YouTube चैनल पे उनके लिए थोड़ा पढ़ाना शुरू किया है, ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको भी हम पढ़ा सकें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, वहाँ अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, SSC कैटेगरी को सेलेक्ट करते हो, तो आपको अब सिर्फ विशाल टाइप करना होगा, क्योंकि विशाल नाम से मैंने अकाउंट अपना बना दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अन अकेडमी पे मेरे 17,500 फॉलोवर हैं, 17 ही मेरे कोर्सेज़ हैं, और एक साल से मेरी एवरेज रेटिंग 4.9 स्टार है, और SSC कैटेगरी में 11th मेरी रैंक है। उसके साथ ही नीचे मेरे कोर्स हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे, और इसके साथ ही अभी जो हमने प्लस पे अपना शुरू किया है वो भी मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो। नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अब आपको डेली क्लासेस 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे की क्लास आपको डेली मिलेगी। तो आप यहाँ जुड़िए, अच्छे से एक बार इंटरेस्ट लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना शुरू कर देंगे और आपको अच्छे से यहाँ सारा कंटेंट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे मैं वहाँ पढ़ाता हूँ काफ़ी अच्छे से, वैसे ही आपको यहाँ पढ़ाऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्लास में किया था, एक स्क्वेयर है उसके अंदर इस प्रकार से एक सर्कल है। सेकंड क्वेश्चन हमने किया था, हमारे पास एक स्क्वेयर है उसके बाहर इस प्रकार से सर्कल है। थर्ड जो हमने क्वेश्चन किया था, हमारे पास एक स्क्वेयर है जिसके अंदर दो सर्कल रखे गए हैं जिनकी रेडियस आपस में बराबर है, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, बताइए कि इन दोनों सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की थी सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, हमारे पास इस प्रकार से स्क्वेयर है और इसके अंदर चार सर्कल रखे गए हैं जिनकी रेडियस आपस में बराबर है, और हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था कि इन चारों सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये हमने निकाला था, ठीक है। उसके बाद हमने इस वाले क्वेश्चन को किया था, पांच सर्कल हो और आठ सर्कल हो। आज हम बात करेंगे एक स्क्वेयर की, एक ऐसा स्क्वेयर जिसके अंदर 9 सर्कल रखे गए हैं जिनकी रेडियस आपस में बराबर है, और आपसे बोलेगा कि अगर इस स्क्वेयर की साइड ए है तो बताइए इनकी रेडियस क्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, इनके अंदर जो सर्कल आएंगे वो इसी प्रकार से फिट होंगे जैसे आपके सामने हैं। तो जैसे देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, जो सर्कल है उनके सेंटर हमें डिसाइड करना होता है, ठीक है। हमने इनके सेंटर डिसाइड किए, ये इसकी रेडियस आर है, ये आर 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 सबकी रेडियस क्या है, आर, क्योंकि जो जितने भी सर्कल हैं सभी की रेडियस क्या है, आपस में बराबर। तो आप देखना कि सी डी की लेंथ कितनी है, ए है, तो आपको दिखाई देगा इसके अपोजिट में आपको 6 आर दिखाई देंगे। तो यहाँ से एक चीज़ आप देख सकते हो कि इन 6 सर्कल की जो रेडियस होंगी वो किसके बराबर होंगी, इस वाले स्क्वेयर के साइड के, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इन तीनों सर्कल के डायामीटर का जो सम होगा वो स्क्वेयर की साइड के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 आर बराबर ए आ गया, तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ए बाय 6। तो आर क्या है हमारी, आर है हमारी साइड ऑफ स्क्वेयर बाय, साइड ऑफ स्क्वेयर बाय 6। तो इन सर्कल की प्रत्येक, जो ईच सर्कल की जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी, साइड ऑफ स्क्वेयर बाय 6, या फिर स्क्वेयर की साइड का 1/6। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसी सीरीज में क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही आया हुआ क्वेश्चन है, ये बेसिकली कैट में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक स्क्वेयर है, ठीक है। उसकी जो स्क्वेयर है, स्क्वेयर की साइड हमें दे दी गई है, ए है स्क्वेयर की साइड, ठीक है। हमने मान लिया कि स्क्वेयर की साइड ए है। तो हमें इस टाइप से अगर एक ऐसा सर्कल है, जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक ऐसा सर्कल जो स्क्वेयर की चारों साइड को टच करता है, तो उसकी जो रेडियस होती है वो किसके बराबर होती है। तो मान लेते हैं हम इसको कैपिटल आर लिखते हैं, बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर और स्मॉल सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस होगी क्या होगी, ए बाय 2 होगी। ये मैंने आपको बताया था, पहला ही क्वेश्चन कराया था हमने, कि अगर एक सर्कल स्क्वेयर की चारों साइड्स को अंदर टच करता है तो उसकी रेडियस क्या होगी। तो अब जो क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन ये है कि ये जो छोटा सर्कल है हमसे पूछ रहा है कि इस रेडियस की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन इसने हमसे पूछा है।
तो जैसे कि कल हमने बात की थी, सबसे पहला हमारा काम ही क्या होता है? सबसे पहले हमारा काम होता है कि इस स्क्वेयर के डायगोनल को निकालना। ठीक है, क्या होता है इस स्क्वेयर के डायगोनल को निकालना? तो क्या करते हैं हम, इस स्क्वेयर के डायगोनल को हम निकालते हैं कि स्क्वेयर का डायगोनल क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, इस स्क्वेयर का डायगोनल ही क्या होगा, इन सर्कल की रेडियस के बीच में रिलेशन बनाएगा। तो इसको तो सबसे पहले देखना होगा। और मैंने आपको क्या बोला था, ये जो सर्कल रखे जाएंगे, ये सर्कल इस प्रकार से रखे जाएंगे कि ये जो हमारा डायगोनल होगा ना, हमारा जो डायगोनल होगा वो इन सर्कल्स के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ओ है बड़े सर्कल का सेंटर, तो ओडी कितना होगा? ओडी हमारे पास कैपिटल आर है, जो कि हमारे पास आएगा ए बाय टू। ठीक है, ओडी हमने इसको मान लिया। यहां पर इसका जो सेंटर है हमने क्या मान लिया, आई मान लिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, ये बेसिकली यहां से ऐसे जा रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बी आई क्या होगा, हमारे पास एक स्क्वेयर बनेगा, उसका डायगोनल होगा। और अगर मैं यहां पर इसको जी मान लूं, ठीक है, तो ओ जी की लेंथ कितनी होगी, ओ जी की लेंथ भी हमारी कैपिटल आर मतलब ए बाय टू होने वाली है, बिल्कुल सही है। और यहां पर इसको मैंने मान लिया आर, क्या मान लिया आर, तो ये क्या बन गया हमारे पास, इसकी रेडियस। ठीक है, सेम जो मैंने आपको बोला था, जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने बात की थी कि इस प्रकार से यहाँ पर आपका एक छोटा स्क्वेयर बनेगा, ये छोटा स्क्वेयर यहाँ पर एक बनेगा। ठीक है, ये क्या बन गया, एक छोटा स्क्वेयर। तो इनकी जो रेडियस है वो क्या है, आर, और इस स्क्वेयर की साइड भी क्या आ जाएगी, आर, क्योंकि स्क्वेयर इसलिए बनेगा क्योंकि ये यहाँ पर टेंजेंट 90 डिग्री, यहाँ पर टेंजेंट 90 डिग्री, और ये एक 90 था ही, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चार एंगल में से तीन क्या है 90 डिग्री, तो चौथा अपने आप 90 होगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो बी आई की लेंथ कितनी आ गई, रूट टू आर आ गई, क्योंकि ये एक छोटा स्क्वेयर बन गया और ये क्या बन गया, इसका डायगनल। अभी यहाँ पर इसको यहाँ डायगनल बनाने की ज़रूरत क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि जो स्क्वेयर के बाहर ये वाली ब्लैक वाली जो साइड है, इसको भी हमें ऐड करना है। अगर इसको हमें ऐड करना है तो इस वाले सर्कल की, अगर मैं छोटे सर्कल की सिर्फ रेडियस की बात करूँ, तो ये बाहर वाला पार्ट उसमें नहीं आएगा। इसको भी ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें छोटा सर्कल स्क्वेयर बना के उसका हमें डायगनल लेना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ कि ओ बी क्या होगा, ओ बी की लेंथ किसके बराबर होगी, तो आप बोलोगे जो ओ बी की लेंथ होगी ना, वो इस वाला जो बी डी है, जो बी डी है उसका आधा होगी। ठीक है, क्योंकि ये इसका सेंटर है यहाँ पर और ये सेंटर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका, इसके डायगनल का भी क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो बी डी बाय टू है, तो बी डी की लेंथ हमारी कितनी आएगी, रूट टू ए आएगी। तो रूट टू ए बाय जो टू होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा बी डी के, ठीक है, सॉरी ओ बी के। तो ओ बी हमारे पास कितना आ गया, बी बाय टू। ठीक है, तो ये हमने ओ बी की लेंथ निकाल ली। तो इसमें हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक तो मैं पूरा किसको ले लूँ, बी डी को ले लूँ, बी डी को ले लूँ। बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी मेरा किसके बराबर होगा, बी डी एक तो मेरा किसके बराबर है, रूट टू ए के। और इस रूट टू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ डी को मैं इसमें ऐड कर दूँ। ओ डी हमारा कितना है, ओ डी हमारा है रूट टू ए बाय में टू। ठीक है, और हमारे पास जो ओ बी है उसमें हमें किस किस को जोड़ना पड़ेगा, एक तो हमें ओ जी को जोड़ना पड़ेगा। ओ जी हमारा कितना है, यहाँ पर ए बाय में टू है। ठीक है, ये मेरे पास आर है और आगे मेरे पास क्या है, ये वाली लेंथ मेरे पास कितनी है, रूट टू आर। तो इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास बी डी आ जाएगा। तो ये किस किस के बराबर होगा, ये हमारा होगा रूट टू ए बाय में टू प्लस में मेरा ए बाय में टू प्लस में आर प्लस में रूट टू आर। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कि कंप्लीट आप इसको क्या ले लो, बी डी की लेंथ ले लो। ठीक है, तो यहाँ आगे चल के क्या होगा, जो बी डी हमने लिया है उससे भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर हम इसको ओ बी ले लें। ठीक है, ओ बी को ले लें, ओ बी हमारा कितना है, रूट टू ए बाय में टू। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर होगा ए बाय में टू प्लस में आर प्लस में रूट टू आर के, ये बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि
यहाँ हमने देखा, ये देखो ओजी जी आई और मैं आई बी को जोड़ दूं, ए बाई टू प्लस में आर प्लस में रूट टू आर को मैं जोड़ दूं तो किसके बराबर है, ओ बी के, और ओ बी किसके बराबर है, रूट टू ए बाय में टू के। ठीक है, तो हमने ले लिया इतना। तो अब हमने क्या करना है, हमें लेना है एलसीएम। रूट टू ए बाय टू बराबर आ गया, यहाँ पर टू क्या आएगा, एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा ए प्लस में कितना आएगा, टू आर प्लस में कितना आएगा, टू रूट टू आर। ठीक है, एलसीएम तो आप सबको लेना आता ही होगा, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, टू से टू कटेगा। ठीक है, तो ये आएगा रूट टू ए माइनस में ए बराबर आ गया, अगर मैं आर कॉमन ले लूँ तो ये आ गया आर इंटू में टू प्लस में रूट टू, टू रूट टू। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, यहाँ से ए मैंने कॉमन लिया, मेरे पास बचेगा रूट टू माइनस वन बराबर आ गया आर इंटू में टू प्लस में टू रूट टू। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सिर्फ आर को एक तरफ रखूंगा और बाकी को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये आ जाएगा आर इंटू में रूट टू माइनस वन अपॉन में टू प्लस में टू रूट टू। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू में रूट टू माइनस वन अपॉन में आपका क्या होगा, टू कॉमन अंदर बच सकता है रूट टू प्लस में वन। तो ये आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले इस प्रकार से, और अगर आपको स्क्वेयर की साइड दी गई हो और आपसे पूछ ले छोटे सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो ये आपकी छोटे सर्कल की रेडियस होगी। क्या होगी, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये आपकी छोटे सर्कल की रेडियस निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो आगे देखो, इसी पर एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसमें देखो इसी पे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ इन्होंने बोला एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर की साइड कितनी है, चार है। ठीक है, स्क्वेयर की साइड कितनी है, चार है, और इसके अंदर इस प्रकार से एक छोटा सर्कल रखा गया है और आपसे पूछा गया है छोटे सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो देखो कुछ नहीं करना, अभी जो मैंने आपको बताया था उसी पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। यहां पर आर निकालो, आर क्या आएगी, फोर इंटू में रूट टू माइनस वन अपॉन में टू इंटू में रूट टू प्लस में वन। ठीक है, दो से ये दो जाएगा, कितना बच गया, आर हमारी आ गई टू इंटू में रूट टू माइनस वन अपॉन में रूट टू प्लस में वन। ठीक है, तो देखो क्या आ गई, इस वाले सर्कल की रेडियस सेम आपकी ये निकल कर आ गई। तो डायरेक्ट अगर आपको ये रिजल्ट आपने एक सीरीज, जैसे स्क्वेयर की साइड ए लेके अगर आपने इसको याद कर रखा है इस वाले रिजल्ट को, ठीक है, तो आगे चल के वो स्क्वेयर की साइड कुछ भी दे दे, सिर्फ आपको यहाँ पर एक ही साइड रखनी है और क्वेश्चन को आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने आपको निकाल कर बता दिया, टू इंटू में रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस में वन, यही इसका रेडियस थी। आगे चल के इसने क्या बोला, इस वाले छोटे स्क्वेयर की रेडियस आपने निकाल ली, इसका एरिया बताइए। तो करना क्या है, रेडियस आपके पास आ चुकी है, किसी भी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वेयर, तो आपको इस फॉर्मूले में रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ही मैं इस पूरी सीरीज को लेकर चलूंगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे हैं, उन सबको मैं आपको धीरे धीरे कराने वाला हूँ। वीडियोस को छोटी रखेंगे ताकि आपको करने में भी थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ना कि आपको लगे एक मैं 1 घंटे की क्लास बनाऊँ, आप सोचोगे काफ़ी बड़ी क्लास है, कैसे करें कैसे करें, तो इसलिए छोटी छोटी क्लासेस होंगी और हर क्लास में एक अच्छा कंसेप्ट मैं आपका क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्लासेस डेली मिलती रहेंगी, आपको एक नया कंसेप्ट हर वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए अगर आपको जुड़े रहना है तो प्लीज़ आप ऐसे ही कोऑपरेट करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जल्दी से जल्दी फॉलोअर बढ़ते रहेंगे, और जैसे जैसे अच्छा रिस्पॉन्स आता रहेगा वैसे वैसे ज़्यादा वीडियोज़ आती रहेंगी, क्लास की लेंथ थोड़ी सी लंबी कर लेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियोस को शेयर करें, इसको लाइक करें, और अगर आपको कहीं भी आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ समझना है कुछ सीखना है, तो आप मुझे मैसेज करके इसके नीचे पूछ सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसको जो मेरा लिंक होता है चैनल का या वीडियोज़ का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलोअर को बढ़ाने में हेल्प करें, क्योंकि जितने ज़्यादा फॉलोअर होंगे उतना ही पढ़ाने में अच्छा लगेगा, उतनी ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी।
तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मैं विशाल चिकारा, बाय बाय, टेक केयर।